खन्ना के बच्चे इधर आ। नाची। अंकल आप हमेशा मुझे खन्ना का बच्चा क्यों बोलते हैं? आपको मेरा नाम नहीं पता? बेटा विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। अरे क्या फर्क पड़ता है किस नाम से पुकारूं तुझे यार। ओके सुनीता। सुनीता कौन है यार, मेरा नाम गुलगुले है। अभी अभी तो आपने ही कहा कि नाम में क्या रखा है। नाची। अबे तेरी तो। मैडम आपको क्या लगता है कि आप वो राय साहब को अपनी जाल में फंसा पाओगी हवा में? फंसा पाओगी पूछ रहे? अरे हमारी मैडम एक बार फंसाने पे आती है ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जालिम जाने मन। मेरा मतलब है एक नंबर की फंसाऊ है। अरे यार मतलब बहुत टैलेंटेड है यार, फंसा लेंगी। ओहो मम्मी जी, जो आप लक को हिला के नाची है ना, ओए होए मारा फट्टे चकते। अब तो राय साहब बिना फंसे रह ही नहीं सकते। हेलो हेलो, हम बोल रहे हैं राय साहब, राय ज्यादा हमारी रियासत में। उफ हुई आहट, डरा दिल कि आया कौन, कर रहे थे याद जिसको, आ गया उसी का फोन। चुप, क्या क्या कहा आपने, हमें ही याद कर रही थी आप, और यहाँ हम हैं कि कल रात से बस आप ही का नाम लेके आप ही को याद कर रहे हैं हमारी रियासत में। अब यूं दूर दूर से याद करने से क्या फायदा राय साहब, अगर इतनी घनी याद आ रही है तो जरा चौकी में तशरीफ लाइए। हमें आपका इंतजार रहेगा, पलके बिछाए रहेंगे हम। अलविदा। अलविदा हमारी रियासत में। तुम हू बीच में जरूर करना। अरे सरकार, हू बहू, बड़ी हवेली की बहू। शाला पप्पू, हम उससे मिलने जा रहे हैं हमारी रियासत में। लगता है मम्मी जी कबूतर ने दाना चुग लिया है। Yes! आ रहा है वो राय ज्यादा कमिया ज्यादा। मैडम इसी बात पे मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिंटू चिंटोला बंटू बंटोला आइडिया आ रहा है। अभी तो बंटे की बोतल में कंचे की जगह तैने घुसेड़ दूंगी फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा टेबल के नीचे तो आइए, सुनिए। मैडम इस तरह होंगे, एक तीर से दो। I'm the king! सर क्या आप जवान हैं सर? क्या बेहुदा सवाल है ये? What is this? सर जैसा आप समझ रहे हैं मैं वैसा कुछ इंडिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्या आप जवान हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें क्या मैं 60 साल का बुढ़ा दिखता हूँ? नहीं यही तो प्रॉब्लम है सर कि आप मुझे 60 साल के बुढ़े नहीं दिखते हैं। सर आपके मोहब्बत की अगरबत्ती मैडम के दिल के मंदिर में क्यों नहीं सुलग रही है, ये कभी सोचा है आपने? सर कभी सोचा है क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैडम बुढ़ों की दीवानी है सर, she likes old men. मैडम को लगता है कि बुढ़ापे में एक अपील है, बुढ़ापा जवानी के कोर्ट का वकील है, लेकिन अफसोस आप तो जवान है सर, आप बुढ़े नहीं है, इसलिए मैडम और आपकी सेटिंग नहीं हो सकती सर, आई एम सॉरी। मैडम को बुढ़े पसंद है, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये मैं इसलिए कह सकता हूं सर कि चौकी में एक केस आया हुआ है एक राय साहब राय ज्यादा का, जो एक अधेड़ उम्र के बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हुए एक ओल्ड आदमी है, लेकिन मैडम इस केस में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अरे वो मैडम मतलब चंद्रमुखी जी जो है वो काइंड हार्टेड लेडी है, वो जरूर भलाई कर रही होगी। भलाई नहीं सर, मलाई। मैडम के मोहब्बत की मलाई उस राय साहब राय ज्यादा के रस में मिलकर रस मलाई होती जा रही है सर। लेकिन सर अगर आपने कुछ जल्दी नहीं किया ना सर, तो बहुत जल्द मैडम के हाथ में होगी राखी और उसके आगे होगी आपकी कलाई, इसलिए भलाई इसी में है सर कि आप मेरी बात मानिए, जो मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहो गुलगुले, मत कहो। मैं भगवान के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये सब आपके लिए कह रहा हूं सर, किसी तरह मैडम के सामने जाकर साबित कीजिए कि आप बुढ़े हैं, साबित कीजिए दैट यू आर एन ओल्ड बोल्ड मैन। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता यार।
नहीं मानता है तो मान जाएगा सर। अभी थोड़ी देर में वो राय साहब राय ज्यादा चौकी में आने वाले हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। सी इट फ्रॉम योर ओन आईज। आइए आइए। भाई घनी देर से हमारी नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी, बड़ी देर लगा दी आने में। जाइए, मैं आपसे बात कतई ना कर रही। ओहो, ऐसी क्या खता हो गई हमसे हमारी रियासत में? भाई कोई अपने चाहने वालों ने भी इतना टाइम वेट करावे? बहू, बड़ी हवेली की बहू सन्नाटे में। पप्पू तुम बाहर जाओ। लेकिन मालिक सन्नाटे में। Shut up and go, कहाँ ना जाओ। Go. हाँ तो मैडम क्या कह रही थी कि आप हमारी चाहने वाली हैं? भाई इसमें तो कोई राज ना है। हाँ? जब से आपकी यो सत्यन कप्पू टाइप पर्सनैलिटी देखी से ना, मतलब यो ब्लेजर चेक वाला और एकदम ही ओल्ड इज गोल्ड वाला जो है सेटअप, तब से हमारा दिल आप पे आ गया है। और वैसे भी मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि कोई एकदम ही अधेड़ उम्र का प्राण टाइप यूनो आदमी मन ने पसंद करे। सच? तो फिर कभी आओ ना हमारी हवेली में। आज दरअसल हम आपसे यही पेशकश करने आए हैं कि कल रात हम एक जश्न मनाना चाहते हैं जिसमें आप आएंगी, गाएंगी और नाचेंगी हमारी रियासत में। हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारी चौकी में भी एक जश्न है और उसमें आप जरूर तशरीफ लाएं। मैं आपके लिए गाऊंगी, नाचूंगी और फिर शाम का इंतजार तो करिए राय साहब, और ये जरा निकल लीजिए क्योंकि कमिश्नर साहब के आने का वक्त हो गया है जी। थैंक यू, सी यू। हमारी रियासत में। आपकी रियासत। आज की रात होगी जश्न की रात। छी, ये सब मैंने क्या देख लिया? चंद्रभुखी जी आप ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। देख लिया ना अपनी आंखों से सर, मैडम किस तरह बुढ़ापे के लिहाफ में चैन की नींद सोना चाहती हैं। अब इससे पहले कि मैडम सो जाए आप जाग जाइए सर। मैडम की जवानी की ट्रेन को उस बुजुर्ग राय साहब के सेंट्रल स्टेशन पर रुकने मत दीजिए। सीटी बजा दीजिए सर, झंडा हिला दीजिए, उसके बाद ग्रीन सिग्नल खुला, फाटक बंद हो जाएगा सारा नाटक। करवाओ करवाओ गुलगुले, चुप मत खड़े रहो, करवाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हां तो मैं करवाने के लिए ही तो आया हूं सर, करवाता हूं। और हमें करना क्या है सर? बस हमें ये प्रूफ करना है कि आप 60 साल के हैं। ये होगा कैसे? अरे सर मैं हूं ना सर, मैंने एक बार प्रूफ कर दिया था, एक 20 साल की लड़की थी सर, मैंने प्रूफ कर दिया कि वो 80 साल की है। She's 80 years old. मैं करवाता हूँ सर। सर ये कागज बनवा के लाया हूँ सर, इट्स रेडी सर। इस कागज में लिखा है कि आप एक्चुअली 60 साल के हैं, लेकिन क्योंकि आप योगा करते हैं इसलिए आप इतने जवान लगते हैं, इसमें लिखा है सर बस। योगा? लेकिन ये कैसे होगा सर? बुलबुले तो ऐसे कामों में एक्सपर्ट है, अब मुझे ही ले लो, मैं हूं तो 80 साल का है? आहो सीक्रेट है, लेकिन गुलगुले ने कागजों में मुझे 40-45 साल का करवाया हुआ है। फाइन कर तो फटाफट, चापा ना बेड़ो। वेल बिटेड बुढ़ाओ, वेल बिटेड। साइन साइन साइन। योगा? साइन। मैं आज मैं जवान हो गया हूँ, वेरी गुड। बस सर बस बस, अब आप देखिए सर मैं क्या करता हूँ। थैंक यू गुलगुले, थैंक यू माय बॉय। मेरा ख्याल है कि मुझे योगा भी से शुरू कर देनी चाहिए। योगा, सूर्य नमस्कार।
30 साल तक सर्विस करेंगे हा? और 30 साल तक मेरा बैंड बजाएंगे गोपी। साइन हो गया गोपी, दो तीन दिन में भरी जवानी में रिटायर करवाता हूँ इनको मैं। देखता जा तू, अब देखता जा। आइए आइए। अबो, हमें यहाँ बुलाकर मोहतरमा कहाँ गायब हो गई हमारी रियासत में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये आप हमें कहाँ ले आए? क्यों, यो जगह आपने पसंद ना है? या यो जगह आपने किसी और की याद दिलावे? कुछ और मतलब? राय साहब, आपके माथे का यो पसीना और चेहरे की टेंशन तो यो कह रही है जैसे इस जगह से आपका कोई गहरा रिश्ता से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप हमें कब्रिस्तान में ले आई हैं हमारी रियासत में। भाई कब्रिस्तान देखकर तो आप ऐसे सरप्राइज में हो रहे हैं जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इस कब्रिस्तान में आए हो। राय साहब, इस कब्रिस्तान से तो आपका बहुत लेना देना रह चुका है। कौन हो तुम? पप्पू। कौन हो तुम? भाई आप तो जो है घने कच्चे आशिक निकले। सच्चे आशिक तो अपनी महबूबा ने देखते ही पहचान जावे और असली महबूबा अपने आशिक के लिए दोबारा जन्म लेकर मरकर भी वापस आ जावे। तो दोबारा जन्म महबूबा मतलब? मतलब लैला। कौन लैला? वो लैला जिसे आपने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, वो लैला जो आपको दिलो जान से चाहती थी, वो लैला जिसे आपने अपनी बड़ी हवेली की बहू बनाया, वो लैला जो आपके कई राज जान गई थी कि आप कैसे गैर कानूनी काम करते हैं, वो लैला जिसका आपने बेरहमी से कत्ल कर दिया और इसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया, वही लैला। ये नहीं हो सकता, झूठ है, झूठ। तो यो तो सच है माँ। बेटी। हाँ? हाँ मैं लैला, मार डाल इस कमीने को और मैंने अपने खून का बदला, इसी ने तेरा कत्ल किया था 25 साल पहले। राय ज्यादा, राय साहब तेरे एक बेटी को अपनी माँ से जुदा करा है और आज लैला वापस आ गई है। मैंने दूसरा जन्म ले लिया है राय ज़ादा, और पिछले जन्म में तो मैं तेरे सजा ना दिलवा सकी, लेकिन इस जन्म में मैं अपने ही खून की गवाही देके तेरे फांसी पर चढ़ाऊंगी। बचा तो अब तुम्हें कोई नहीं सकेगा हमसे। हमें तो तुझ पर पहले से ही शक हो गया था। हाँ ये सच है कि हम ही ने 25 साल पहले तेरा कत्ल किया था और इसी कब्रिस्तान में तुझे गाड़ दिया था। हाँ, अब हम तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? राय ज़ादा, ना तो मैं लैला हूँ और ना ही लैला ने दूसरा जन्म लिया है। यो सब हमने एक ड्रामा करा था ताकि तू सारी सच्चाई अपने मुंह से बयान कर दे। अरीब थारा इकबाल जुर्म इस कैमरा में रिकॉर्डेड है। बाप को इसके गले में टायर डालो और अंदर करो इसे। राय साहब, राय साहब। शाबाश बेटी, शाबाश। धन्य है तू,
तेरी वजह से मेरी लैला को इंसाफ मिल गया बिटिया, धन्य है तू, धन्य। और मेरी लैला को भी हवा में। लैला कमिंग सून। शॉकिंग, वाह शॉकिंग, वाह। लेकिन क्या मेंटेन किया? हाँ सर, बट रूल्स आर रूल्स सर। यू आर राइट, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रूल इज अ रूल। थैंक यू। आप एक काम करेंगे? यस सर। चाहिए चाय लेके आइए। ओके सर। रूल्स आर रूल्स सर। आप आ गए सर, लेकिन थोड़ा लेट आए सर, पर इसमें आपका कसूर नहीं। 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल, आने में देर तो हो ही जाएगी, क्यों? लेकिन यार ये एक बात है, आपने अपने आप को मेंटेन अच्छा किया है, मेंटेन अच्छा किया है, क्यों? लेकिन क्या करें सर, रूल्स आर रूल्स। वो क्या है कि 60 साल की उम्र में आदमी को रिटायर कर दिया जाता है सर। पर मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको रिटायर कर ही दूं। सर नहीं सर, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए सर। क्यों, क्यों? सर मैं 60 साल का नहीं हूँ सर, मैं तो अभी जवान हूँ। अच्छा, देखिए। अरे सर, फिर आपने जो है इस डॉक्यूमेंट पे क्यों लिखा है ऐसा कि आप 60 बरस के हो रहे हैं? सर बताइए क्यों लिखा है सर, क्यों, वाय? चुप्पे मोटे। इसके लिए सर मैं समझा नहीं कुछ। सर ये जो गुलगुले है ना सर, ये आत्महत्या करने जा रहा था सर। सुसाइड सर, क्योंकि जिंदगी में परेशान हो गया था अपने मोटापे से सर। तो इसे बचाने के लिए सर मैंने इसे कह दिया कि मुझे देख, अबे तू तो सिर्फ मोटा है, मैं तो 60 साल का हूँ। 60 साल का, लेकिन मैं लगता हूँ सर नहीं ना, क्योंकि मैंने मेंटेन किया, मैं रोज योगा करता हूँ। इसलिए सर उसको दिलासा देने के लिए, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, मैंने उसको लिख कर दिया कि मैं 60 का हूँ लेकिन 30 का लगता हूँ, क्योंकि मैं योगा करता हूँ। दिस इज नथिंग सर, एक्चुअली तो मैं 30 का ही हूँ। तो इंस्पेक्टर आर्यन सर, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ लिखने से पहले जरा सोच लीजिएगा सर। समझ गए सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे रुकिए, अरे सर लेकिन ऐसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.